आज हम बात करने वाले हैं मिमी नाम की एक फिल्म के बारे में, जो कि 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इसे IMDb पर 8.3 रेटिंग्स मिले हैं आउट ऑफ 10। इस फिल्म को 93% लोगों ने लाइक किया है और ऑडियंस से इसे काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। कहानी एक स्टार्टिंग साल 2013 में यूपी से होती है। यह मनोज पांडे नाम का एक इंसान समर और जॉन नाम के एक फिरंगी कपल को सरोगेसी के लिए माँ प्रोवाइड करने का कह रहे हैं। असल में समर माँ नहीं बन सकती, इसलिए उसे एक सरोगेट मदर की जरूरत है, यानी कि बच्चा जॉन और समर के स्पर्म और एक से ही बनेगा, लेकिन उसे पालने के लिए एक और माँ जरूरत होगी। मनोज पांडे एक ऐसा इंसान है जो कि इस काम के लिए वोमेन हायर करता है, लेकिन ये जगह बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह लग, और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि जॉन और समर मनोज पर इस बारे में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। मनोज से हो रही उन दोनों की बातों को उनका ड्राइवर भानु प्रताप सुन लेता है। जब वो पूरा मामला समझता है तब वो उन दोनों की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और साथ ही उसे पैसों की डिमांड करता है। वो दोनों इस काम करने के लिए 5 लाख रुपीज ऑफर करते हैं और पैसों की बात सुनकर भानु ये काम करने के लिए रेडी हो जाता है। भानु उन दोनों को राजस्थान में घुमाने के लिए लेके आता है और इसी ट्रिप के दौरान उनकी मुलाकात मिमी नाम की एक लड़की से होती है। मिमी एक होटल में डांसर है, लेकिन उसका ड्रीम है उसको बॉलीवुड में जाके एक्ट्रेस बनना है और इसीलिए वो पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है ताकि वो एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाकर एक बड़ी सी एक्ट्रेस बन सके। जॉन और समर जैसे ही मिमी को देखते हैं उन्हें वो पहली नजर में पसंद आ जाती है। वो भानु से मिमी से बात करने के लिए कहते हैं और भानु से कहते हैं कि मिमी इस काम को करने के लिए राजी हो जाए तो उसे 20 लाख रुपीज देंगे। भानु मिमी और शमा के पास जाता है और उन दोनों से बात करने की कोशिश करता है। वो उनसे कहता है कि वो उनका बहुत बड़ा फैन है। जब भानु मिमी और शमा को लिफ्ट देता है तो वो मिमी से इस बारे में बात करता है, लेकिन उसकी बात सुनकर मिमी इतना गुस्से में आ जाती है कि वो पहली मुलाकात में उसे थप्पड़ मार देती है। क्योंकि मामला पैसों का है तो इसीलिए भानु भी हार नहीं मानता और वो मिमी का पीछा करता रहता है। जब भानु मिमी को सरोगेसी का प्रोसेस समझाता है तो मिमी को ये काम काफी ज्यादा आसान लगता है और जब उसे ये पता चलता है कि इस काम के लिए उसे 20 लाख रुपीज मिलेंगे तो कहीं ना कहीं इस बारे में वो हाँ करने का सोचती है। इस बात के बारे में वो अपने दोस्त शमा से भी बात करती है और वो दोनों भी भानु के साथ समर और जॉन से मिलने जाते हैं। पूरी प्रोसेस समझने के बाद मिमी को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है ताकि उसे पूरी प्रोसेस समझाई जा सके। दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट साइन की जाती है और ये डिसाइड होता है कि प्रेग्नेंट होने के बाद मिमी अपने दोस्त समा के घर रहेगी। समा एक तलाकशुदा लड़की थी जो कि अपने घर अकेली रहती थी। समा की माँ बचपन में ही मर चुकी थी और उसके फादर एक मौलवी थे, इसीलिए उनका घर आना जाना बहुत कम ही होता था। कुछ दिनों के बाद मिमी जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो अपने माँ और बाबा से ये कहती है कि उसे एक बहुत बड़ी फिल्म में चांस मिला है। इस फिल्म की शूटिंग 9 मंथ तक चलेगी और 9 मंथ के बाद वो वापस घर आ जाएगी। पहले तो मिमी के माँ बाबा इस बात पे साफ मना कर देते हैं, लेकिन मिमी के बार बार कहने पर वो उसे भेज देते हैं। अब मिमी बुर्का पहनकर समा के घर में शिफ्ट हो जाती है और साथ में भानु को भी उसके घर में रखा जाता है ताकि अच्छे से बच्चे की देखभाल हो सके। अगली मॉर्निंग मिमी और समा भानु को अकेले छोड़कर मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो लोग मॉर्निंग वॉक से वापस आते समा के फादर घर पर आ जाते हैं। इसके बाद भानु पूरी बात को बिगड़ देता है, तब समा घर पर आ जाती है और उस बात को संभाल लेती है। इसी तरह से वक्त बीतने लगता है और एक दिन जॉन और समर उसके बच्चे से मिलने आते हैं। जब मिमी अपने रेगुलर चेकअप करवाती है तो डॉक्टर समर और जॉन को ये बताते हैं कि उनका बच्चा डिसेबल है। समर ये बात सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। अब जॉन और समर ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस बच्चे को अपने पास नहीं रखेंगे। भानु अब उनके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि उनके ऐसे करने पर मिमी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन वो लोग भानु के एक नहीं सुनते और वहाँ से अमेरिका भाग जाते हैं। भानु जब समा के घर पे जाकर समा और मिमी को इस बारे में बताता है तो मिमी इतनी ज्यादा पागल हो जाती है कि वो बिना बुरके के ही घर से बाहर निकल जाती है। सब लोग उसे इस हालत में देखते ही है, लेकिन उसके फादर का म्यूजिक क्लास का एक बच्चा भी उसे इस हालत में देख लेता है। इसके बाद हमें वो सीन दिखाई जाती है जब मिमी अपने घर पहुंच जाती है और उसके माँ बाबा को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता है। मिमी के माँ बाबा पूछते हैं कि इस बच्चे का बाप कौन है और जब उन्हें बहुत देर तक जवाब नहीं मिलता तो उसकी माँ अपनी जान लेने की कोशिश करती है। मिमी अब
डर के मारे भानु की तरफ इशारा कर देती है और सबको यही लगता है कि मिमी के पेट में जो बच्चा है वो और किसी का नहीं भानु का है। ये इसी तरह से चलता रहता है और फिर एक दिन मिमी की डिलीवरी हो जाती है। सब लोग जब उस बच्चे का कलर देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बच्चा जरूरत से ज्यादा गोरा था। कुछ लोग जहाँ इस बात पर भानु का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं तो कुछ लोग के लिए वो देवता बन जाते हैं और लोग उनसे गोरा बच्चा करने की सजेशन मांगते हैं। सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा था लेकिन तभी एक दिन भानु से मिलने उसकी माँ और उसकी बीबी आती है। वो लोग जब गांव के लोगों को भानु की तस्वीर दिखाते हैं तो सब लोग उसे मिमी का पति कहकर बुलाते हैं और ये बात सुनकर भानु की बीबी और उसकी माँ की पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। भानु की बीबी रेखा जब मिमी के घर पहुँचती है तो उसे ये पता चलता है कि मिमी और भानु का राज नाम का एक बेटा भी है। ये सब देख कर तो रेखा पहले जोर जोर से रोने लगती है और फिर भानु को मारने के लिए उसके पीछे भागती है। ये वो वक्त था जब मिमी को इस बात का रियलाइज होता है कि उसको अब सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। मिमी और भानु अपने फैमिली को सच्चाई बताते हैं और सबके सब राज को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर हमें 4 ईयर बाद का सीन दिखाया जाता है। राज नाम का वो बच्चा अब काफी बड़ा हो जाता है। राज के बड़े होने के साथ साथ ऐसी बहुत चीजें हैं जो बदल गई है, जैसे कि मिमी ने अभी एक्ट्रेस बनने का ख्याल छोड़ दिया है और वो अपना पूरा वक्त राज के देखभाल में गुजरती है। फिर एक दिन जब मिमी राज को स्कूल से घर वापस लेकर आती है तो वो देखती है कि उसके घर पर समारोह जॉन बैठे हुए हैं। वो लोग मिमी को बताते हैं कि एक दिन वो राज और मिमी का एक वीडियो देखते हैं और वो देखते ही समझ गए थे कि राज उन दोनों का ही बेटा है। मिमी के प्रेगनेंसी के वक्त डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा डिजेबल हो सकता है लेकिन राज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और वो पूरी तरह से फिट है। उन दोनों को देखकर मिमी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उनको इंसल्ट करके घर से बाहर निकल देते हैं। लेकिन वो दोनों दोबारा मिमी के घर पे आकर लीगल एक्शन लेने की धमकी देते हैं। वो दोनों कहते हैं कि एग्रीमेंट के अनुसार बच्चे को उन दोनों के साथ ही रहना चाहिए और कोर्ट भी इस बात में उन्हीं का साथ देगा। मिमी और भानु जब लॉयर से इस बारे में बात करते हैं तो लॉयर भी उन्हें यही कहता है कि एग्रीमेंट के अनुसार समर और जॉन के पास ही बच्चा होना चाहिए और इस केस में उन दोनों की जीतने की चांसेस बहुत ज्यादा कम है। मिमी अब इस बात को समझ जाती है कि इस केस में उन लोगों की जीतने की चांसेस बहुत कम है और कोर्ट कचहरी के चक्कर में राज का बचपन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मिमी अब सबके सामने ये कहती है कि वो राज को जॉन और समर के पास छोड़ देगी और उसके लिए शायद यही सबसे अच्छी बात होगी क्योंकि वही ऐसे लोग है जो राज को एक अच्छी जिंदगी देख सकते हैं। सबके ना कहने पर भी मिमी राज का सारा सामान पैक करती है और वो सब लोग होटल की तरफ निकल जाते हैं। जब मिमी समर से बात करती है तो समर उसे कहती है कि राज को उससे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता और साथ ही वो उसे बताती है कि उसने और जॉन ने कल ही एक छोटी सी बच्ची को एडॉप्ट कर लिया है। थोड़ा सा इमोशनल डायलॉग के बाद जॉन और समर अपने बेटी तारा के साथ अमेरिका के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ राज अपनी माँ मिमी के साथ ही वहीं पर रहता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी से हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता है कि अगर किसी कपल को बच्चा नहीं हो रहा है तो दूसरी तरफ ऐसे भी बच्चे हैं जिसके माँ बाप नहीं होते, तो सारी उम्र रोते रहने की बजाय लोग ऐसे बच्चे की हेल्प कर सकते हैं जिन्हें घर की ज़रूरत है।